बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान और तकवे का अजर। अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अल अराफ आयात नंबर 92 में इरशाद फरमाते हैं, अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और अल्लाह ताला से डरते तो जरूर हम इन पर आसमान और जमीन के खजाने वसीयत रिस्क की बरकत खोल देते, मगर इन्होंने झुटलाया तो हमने इन्हें इनके किए पर गिरफ्तार कर लिया। आज का सबसे प्यारा वजीफा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत नायाब है, कदर जानिएगा, बहुत प्यारा वजीफा है। एक बात याद रखें, जब भी हम वजीफा करते हैं तो दिल में मजबूत तवक्कल रख के अल्लाह का नाम लिया करें और वजीफा किया करें, वरना ऐसे अमल को तो अल्लाह पाक भी पसंद नहीं करते जिसमें यकीन कामिल ना हो। अगर आप चाहते हो कि आपके रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, अगर आप किसी के पास मुलाजमत के लिए जाते हो, काम के लिए जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो और वो मुसख़र हो, मुती हो, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है? थोड़े से आपने चावल लेने हैं, थोड़े से आपने चावल लेने हैं, सूरह यासीन की आयात नंबर 83 पढ़कर उन चावलों पे दम करें, मतलब कि उबले हुए चावल जो आपने खाने हैं, उबले हुए चावल जो आपने खाने हैं उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा मीठा डालें, वो एक अल्लाह की नायाब जो है रिस्क, प्यारा सा रिस्क बन जाएगा, वो आपने बस खाना है। खाकर जो काम शुरू करोगे, आयात नंबर सूरह यासीन की 83, जो काम आप फिर शुरू करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत वक्कार और लोगों को मुसख़र और मुतीन करोगे। अगर कारोबार के लिए करना चाहते हो तो फिर 83 आयात नंबर 83 पढ़कर जो काम शुरू करोगे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होगे। अगर गाहक बढ़ाना चाहते हो दुकान में तो फिर आयात नंबर सूरह यासीन की 83 और पूरी दुकान पे पानी पे दम करके छट्टे लगाए, पानी जमीन पे ना गिरे, हल्के हल्के छट्टे आप उसमें लगा लें तो इंशाल्लाह कभी रिस्क की कमी नहीं आएगी। बहुत प्यारा अमल है, इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जरूर कीजिएगा। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब